नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने अगले वीडियो में बताया है कि मशीन को मशीन के साथ क्या क्या चीज़ें आती है और मशीन को अपडेट कैसे करते हैं, फर्मवेयर अपडेट कैसे करते हैं, ऐप अपडेट कैसे करते हैं और डेटाबेस अपडेट कैसे करते हैं। अभी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मशीन को यूज़ करने से पहले मशीन को कैलिब्रेट कैसे करते हैं, हाइट लेवल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, कटिंग कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, क्लैंप कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको तीनों चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें 2.5 का कटर लगेगा, एक प्रॉब लगेगा, होंडा का एक ब्लेड लगेगा, M1 क्लैंप, M2 क्लैंप और ये दो एलेंकीज साथ में लगेगी। मशीन को ऑन करते हैं। मशीन ऑन हो जाने के बाद उसको कनेक्ट करो ऐप के साथ। कनेक्ट हो जाने के बाद मशीन पैरामीटर में जाना है, हाइट लेवल एडजस्टमेंट में जाना है। सबसे पहले हाइट लेवल एडजस्टमेंट में जैसे कि यहाँ पे फिगर में बताया गया है कि कटर को ऊपर तक गड़ा के लगाना है और ट्रेसर को उसको उससे छोटा रखना है। तो अभी हम कटर लगाते हैं 2.5 का। कटर लगाने के लिए ये रिमूव करना रहेगा। कटर का ये जो स्लॉट है ये आपको नट के सामने रखना है। सबसे पहले कटर को ऊपर तक गड़ा दो। टाइट करने के बाद हल्का सा ढीला करो तो आपको इतना डिफरेंस मिलेगा इसका। तो आपको नीचे की साइड इसको टाइट करना है। दो ट्रेसर दिए गए हैं, 1.5 और 2.5 के लिए, दोनों के लिए सेमी ट्रेसर है। सेम वे ट्रेसर को भी ऊपर तक अड़ा के आपको टाइट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे जो पिक्चर में बताया गया है उसी तरह से मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कटर को और ट्रेसर को। अभी M1 क्लैंप लगा लेते हैं। M1 क्लैंप लगाने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। अभी ट्रेसर को ढीला करके आपको नीचे तक कटाना है। और इसको आप बंद कर सकते हो। अब कंटिन्यू। अभी कटर सिलेक्ट करने को बोल रहा है। अभी मैंने 2.5 का कटर लगाया तो मैं 2.5 सिलेक्ट करके यहाँ पे सेटिंग कटिंग डायमीटर पे क्लिक करूँगा। अभी दूसरा ऑपरेशन जो करने जा रहा है वो कटिंग कैलिब्रेशन। कटिंग कैलिब्रेशन में आपको होंडा का ब्लैंक ब्लेड लगेगा, उसको आपको यहाँ पे लगाना है। आप कोई भी लाइन तक लगा सकते हो अंदाजे से। होंडा का ब्लेड लग गया, स्टार्ट पे क्लिक करो।
ये जैसे दूसरी फिगर में बताया गया है, ब्रश से इसको साफ करना है। M1 क्लेम ब्रश से साफ करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करो। कटिंग कैलिब्रेशन कंप्लीट। अभी हमने हाइट लेवल एडजस्टमेंट, कटिंग कैलिब्रेशन, ये दो स्टेप कर लिए हैं। लास्ट स्टेप अभी बचा है, क्लैम कैलिब्रेशन। क्लैम कैलिब्रेशन में आप M1 क्लैम में आपको लगाने को बोल रहा है होंडा का ब्लेड, तो अभी होंडा का ब्लेड तो लगा हुआ ही है, तो उसको अपने निकाला नहीं है। अभी स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अभी M1 कैलिब्रेशन हो गया है, ओके। M1 कैलिब्रेशन होने के बाद अभी हम M2 कैलिब्रेशन कर रहे हैं। M2 कैलिब्रेशन में जैसे यहाँ पे फिगर में बताया गया A ऊपर रखना है, तो यहाँ पे A ऊपर ही है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब M2A कैलिब्रेशन ओके, कंटिन्यू दबाने पर अभी B ऊपर रखने को बोल रहा है। M2B कैलिब्रेशन ओके, अभी सी साइड को ऊपर रखना है। डी साइड ऊपर रखना है, कंटिन्यू। जैसे कि हमने देखा पूरे स्टेप्स, हाइट लेवल एडजस्टमेंट, कटिंग कैलिब्रेशन और क्लैम कैलिब्रेशन, ये तीनों स्टेप समाप्त होने के बाद ये हमारा मशीन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ख़त्म होता है। अब आप कोई भी चाबी कटिंग कर सकते हो। चाबी कटिंग करने के लिए यूट्यूब में हमने सभी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जैसे कि होंडा का है, जैसे सुजुकी एक्सिस है, पल्सर 220 है, तो उसको कटिंग कैसे करना है उसके बारे में YouTube में वीडियो हमारे अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप उसको देख के आप की कटिंग कैसे करना है आप देख सकते हैं।